आइए आइए सभी आइए, जितने आ सकते हैं उतने आइए, शेयर कर दीजिए, ठोक दीजिए, फैला दीजिए, वीडियो को पहुंचा दीजिए लोगों के पास। और जो नए बंदे आए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग वीडियो देखना पसंद है। नया नया हफ्ता आ चुका है, नई नई टेक न्यूज, उसके अंदर अपना देसी तड़का, तो हमारे साथ बने रहिए। और जो अपनी अचार 15वीं है लाइक तो कर ही देना। और चलते आज की पहली टेक न्यूज की तरफ। और दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं, आदमी बिकवाओ, किडनी बिकवाओ, सब कुछ बिकवाओ, पैसे लुटाओ न्यूज की तरफ से। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या? तो असली वाला नहीं लगा सकते, कॉपीराइट मिल जाएगा, तो अपना सस्ता लगा देते हैं। तो भाई साहब बता ही देता हूँ क्या कुछ है, सस्पेंड नहीं रखते। आईफोन की तरफ से, आईफोन जो 13 है उसके अंदर एक सिस्टम होने वाला है, सैटेलाइट के साथ कनेक्टिविटी, जो लो ऑर्बिट के सैटेलाइट होंगे ना उसके साथ कनेक्टिविटी होगी उनके अंदर। और भाई साहब आपको 4G 5G की कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं, आप सीधा उसके ऊपर से कॉल कर पाएंगे, SMS कर पाएंगे, क्योंकि आप सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होंगे। और भाई क्या चाहिए फिर आपको, कुछ नहीं, जहाँ पर वहीं से मेरे बाबू ने थाना थाया, नहीं थाया खा लो ना, यस कर पाएंगे, यस। क्योंकि यार उन्होंने एक स्पेशलाइज चिप डाली होगी उसके अंदर, फोन के अंदर आने वाली है, उसके अंदर आने वाली है, और लो ऑर्बिट के सभी सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट होंगे, जिसकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे उनके साथ। तो कैसी लगी आपको ये न्यूज, एक बार कमेंट करके बताइए। और जिनको तकलीफ होती है बात ना होने पर, तो वो ले सकते हैं इस फोन को। और दोस्तों अब बात करते हैं जियो वाले बाबा की तरफ से। एक बार जियो बोला तो दुनिया उद्धार हो चुका है, दूसरी बार जियो बोला तो दूसरी कंपनियों का सर्वनाश हो गया था, तो बहुत सारी कंपनियां उसकी वजह से बर्बाद भी हो गई थी। तो भाई साहब बात कर रहे हैं हम कौन सी कंपनी का, पता है जियो वाले बाबा, जियो कंपनी की तरफ से, मुकेश अंबानी जी की तरफ से। तो समझ जाएगा यार हमारे बातों के अंदर हिंट होते हैं। तो अब बात करते हैं जियो की तरफ से, जियो फोन नेक्स्ट जल्दी आने वाला है इंडिया के अंदर, और उसके अंदर एक न्यूज़ बताई जा रही है कि केवल उसके अंदर लॉकिंग सिस्टम होगा, मतलब कि उसके अंदर केवल जियो जियो की सिम चलेगी। तो यार ऑफ कोर्स ये सीधा समझने वाली बात है, क्योंकि यार अगर दूसरी सिम को सपोर्ट देंगे तो लोग दूसरी सिम को भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए वो अपनी सिमों का ही सपोर्ट देंगे, क्यों दूसरी सिमों का सपोर्ट दें, क्योंकि उनका यूज़र बेस बढ़ेगा। अगर 10 करोड़, अगर 1 करोड़ भी अगर फ़ोन बिकते हैं, 10 लाख भी बिकते हैं, 1 करोड़ छोड़े 10 लाख भी फोन बिकते हैं, तो 10 लाख यूजर उनके सीधे बढ़ जाएंगे, और सीधा उनका अलग से रिचार्ज होगा या फिर कुछ करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, बाकी ये इस प्रकार से होगा। और ये एक बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। एक बार कमेंट करके बताइए आप कौन सी सिम को यूज़ करते हैं। फ्री फायर, फ्री फायर, फ्री फायर, फ्री फायर के अलावा फ्री फायर मैक्स भी आ चुका है, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो पुरानी वीडियोज़ को जाके देख सकते हो, फ्री फायर मैक्स आ चुका है, और इसकी तो प्री रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुकी है इंडिया के अंदर। अभी तक हमें बताया गया था कि कुछ 2-3 इंडिया से बाहर कंट्री होंगी उनके अंदर ये लॉन्च होगा अभी के लिए, मगर मैंने सर्च मार के देखा आज, तो उसके अंदर मुझे भी देखने को मिल गया इंडिया के अंदर प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। देख लीजिए, ये देखिए, ये मैक्स है और यहाँ पर ये प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। मैं यहाँ पर फोटो लगा के दिखा दूंगा या छोटी सी वीडियो लगा दूंगा, तो तब आप देख लेना। तो भाई साहब ये होया और मैंने रजिस्टर कर दिया इंडिया के अंदर, और मैं दिखा देता हूँ पीछे कोई VPN कनेक्ट नहीं है, कोई इसी प्रकार का कोई VPN कनेक्ट नहीं है। कहीं आप सोचो कि VPN कनेक्ट है, नहीं। तो अगर आप खेलना चाहते हो इसे मैक्स को, मैक्स ग्राफिक होंगे, बहुत सारे बदलाव होंगे, 360 डिग्री बताया जा रहा है कि लॉबी के अंदर होगा, बहुत सारा सिस्टम होगा, तो जाके इसे रजिस्टर कर सकते हैं, फुल रिकमेंडेड है। इसके ऊपर वीडियो जरूर आएगी, तो बने रहिए हमारे साथ और आइए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और दोस्तों महंगी न्यूज़ से आते हैं थोड़ा सा सस्ती न्यूज़ की तरफ, मतलब कि हम जैसे बजट वाले लोगों की तरफ, जो कि निकल के आ रही है असली हमारा फ़ोन कंपनी की तरफ से। अगर आप कर रहे थे किसी पैड का इंतज़ार, मतलब कि टैबलेट टूबलेट टाइप में जो होते हैं उनका इंतज़ार, तो भाई साहब रियलमी का पैड जल्दी होने वाला लॉन्च, तो इसकी अप्रोक्सीमेट लॉन्च डेट आ चुकी है, 9 सितंबर है। कोई डब्यान रॉय है, उन्होंने बताया इसके बारे में। इसके अंदर मीडिया टेक का G80 प्रोसेसर होगा, मीडिया टेक का G80 प्रोसेसर है, तो अराउंड ये बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं इस पैड को, तो ठीक ठाक होगा। बाकी फ़ोन इसके स्पेक्स आप बाकी देख लीजिए, 10.4 इंच की इसके अंदर स्क्रीन होगी, 90Hz की OLED डिस्प्ले, हेलियो का G80 प्रोसेसर, 7100mAh की बैटरी, 8 मेगापिक्सल के कैमरे, 4 स्पीकर्स, बाकी स्पेक्स आप आराम से देख लेना। तो कुछ ये स्पेक्स होने वाले हैं।
यस। तो कैसा लगा आपको ये फोन? फोन नहीं, पैड, असली हमारा पैड, टैबलेट, असली हमारी गोली, गोली कहते हैं इसको, गोली। तो कैसी लगी कमेंट कर दीजिए। सैमसंग की एम सीरीज, उसका एक बेताज बादशाह आने वाला है, सैमसंग का M52 5G वेरिएंट। तो उसके अंदर 778G प्रोसेसर होगा, 5G प्रोसेसर है, बढ़िया प्रोसेसर है। रियलिटी में उसका एंटीट्यूड जो भी है और जो उसकी फ्लैक्चुएशन है, मतलब कि वो चलता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी तक जितने फोन आए हैं बढ़िया आए हैं। तो भाई साहब, जो ये फोन आने वाला है इसकी प्राइसिंग आ चुकी है, बार 628 जो वेरियंट होने वाला है उसकी 25,000 रुपये इसकी जो प्राइसिंग होने वो लेने वाली है। एमलेट स्क्रीन होगी, तो यार क्या कुछ है इसके अंदर। तो इसकी टक्कर का एक और फोन है सैमसंग का, सैमसंग का A52s, वो मगर प्रीमियम कैटेगरी का, वो आपको 40,000 के आसपास देखने को मिलेगा, ये 25,000 के आसपास। तो भाई साहब आप बताइए, आप A52 को ले एस को लेना चाहेंगे या फिर M52 को लेना चाहेंगे? दोनों सेम नाम से हैं, ए और एम का ही फर्क है, एक एस का भी फर्क है। तो बताइए कौन सा अगर चाहिएगा, बाकी देखेंगे इसके ऊपर वीडियो लाने की देखेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए और चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रियलमी के बारे में, यानी कि असली हमारा फोन के बारे में। यार खतरनाक फोन है, जबरदस्त फोन आते हैं, जबरदस्त यूआई है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि यूआई मुझे बढ़िया लगता है। बाकी जिन लोगों को पसंद नहीं है, यार मुझे पसंद है, हर बंदे की अलग चॉइस होती है। तो बात करते हैं यू न्यूज़ की तरफ। रियलमी का 8S कंपनी उसे टीज करना शुरू कर दिया है। इसके अंदर होने वाला डायमेंसिटी का 810 प्रोसेसर और 5G प्रोसेसर है, तो फ्यूचर प्रूफ है फोन, फ्यूचर प्रूफ है। और जल्दी आपको 5G देखने को मिलेगा, तो आप 5G को जल्दी यूज़ कर पाएंगे, तो जाके आप खरीद सकते हैं। सस्ता होगा, बढ़िया होगा, टिकाऊ होगा, तो अच्छा भी होगा। इतनी चीज कह दिया तो मान लीजिए जल्दी आने वाले हैं ये फोन। रियलमी की बात यहीं पर खत्म नहीं करते, रियलमी की एक और चीज की तरफ आते हैं। रियलमी कुछ रेडमी को नाम की कॉपी कर रहा, क्योंकि आज दो फोन नए लिस्ट हुए हैं जो कि रेडमी नोट 9, नोट 9 प्राइम नाम से हुए हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ, रेडमी नोट 9, नोट 9 प्रो, प्रो नहीं प्राइम, तो कुछ ये नाम लिस्ट हुए हैं और ये दो फोन जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। तो यार आपको कैसा लगा ये नोट 9 और नोट 9 प्रो प्राइम, प्राइम 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 प्रो कहाँ से बार बार आ जाता, प्राइम होने वाला है और कैसे होंगे फोन, तो जल्दी हमें देखने को मिलेंगे, हम बता देंगे इसको इन्फॉर्मेशन। तब तक हमारे साथ बने रहिए और आइए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जिन लोगों को इन्वेस्ट करना पसंद नहीं है, मतलब कि FD में रखना पसंद है, बैंकों के अंदर FD करवा लेते हैं अपने पैसों के फ्यूचर के लिए और उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, तो भाई साहब गूगल पे भी अपना FD सिस्टम लिया आया है। इंडिया के अंदर जो भी यूजर है वो अपने पैसों को FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अभी तक का सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट होगा वो गूगल पे के अंदर हमें देखने को मिलेगा, 6.35 इंटरेस्ट एक साल का। शायद से बैंक के अंदर अभी तक का मैक्सिमम में है 5 के आसपास, 5.9 या फिर 6%, तो 0.34% आपको इसके अंदर अभी भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इंडिया वालों के लिए आज का ये FD सिस्टम, अगर आप अपने पैसों को FD करवाना चाहते हैं तो गूगल पे के अंदर जाके कर सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं रुपए, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसी हिसाब से डिसाइड होगा, तो आप ये जाके कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको यो FD सिस्टम बताइए। और दोस्तों अब बात करते हैं एक जोड़ की तरफ से, एक जोड़ मतलब वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस कुछ भी करता जा रहा है, हम देखते जा रहे हैं, लिस्ट बताते जा रहे हैं, क्या पता क्या करेगा। तो भाई साहब वन प्लस की तरफ से एक और नया फोन लिस्ट हो चुका है, वन प्लस नोर्ड AC2। क्या है ये पता नहीं, बाकी नोर्ड सीरीज के अंदर एक नया फोन आने वाला है AC2 नाम से, और ऐसा बताया जा रहा कि ये फोन इंपोर्ट करा लिया गया है बाहर से इंडिया के अंदर फिलहाल, और इंपोर्ट हो चुका है तो जल्दी हमें देखने को मिल जाएगा, ये कुछ न्यूज़ निकल के आई है। और क्या पता ये कोड नेम हो, कोड नेम बहुत सारे होते हैं, तो क्या पता कोड नेम हो, तो हमें जल्दी ही AC2 फोन देखने को मिलने वाला है, नोड AC2 वन प्लस की तरफ से। तो कैसे लगे ये नोड सीरीज कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अब बात करते हैं आज की आखिरी टेक न्यूज की तरफ, बता दें, बताओ बता दें कमेंट करके बताओ। तो ज्यादा नहीं तड़ पाते हैं और आखिरी टेक न्यूज की तरफ आते हैं। थैंक यू थैंक यू तो वाह वाह कर देना, समझ जाओगे। तो आज की टेक न्यूज, आखिरी टेक न्यूज निकल के रही है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का S21 जो फैन एडिशन फोन है उसके ऊपर न्यूज निकल के है कि जल्दी होने वाला लॉन्च इंडिया के अंदर भी आ जाएगा, ये न्यूज निकल के आई है।
ये जो फोन है ये सच में इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन का 888 जानते हो कितना खतरनाक प्रोसेसर, तगड़ा प्रोसेसर है। ऊपर से सैमसंग का UI, इसके जो तगड़े स्पैक्स सब कुछ इसके अंदर होने वाला है, फुल पैक फोन होगा। और मैं भी इसके ऊपर आ जाए अनबॉक्सिंग वीडियो। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो आई है पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर दीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोक दीजिए, फैला दीजिए वीडियो को, फैला दीजिए, हम कहते हैं फैला दीजिए, आग की तरह फैल जानी चाहिए, ये एक डिमांड है। तो बस इतना ही और लेते हैं आपसे अलविदा।